जय श्री स्वामीनारायण। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम। ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8, वेलकम इन माय लेक्चर। डियर स्टूडेंट, रिवीजन यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आज आपको क्वेश्चन कुछ टर्म के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो चैप्टर नंबर 2 के हैं। एक्सप्लेन द टर्म लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर एंड बायोस्फियर। आज विद्यार्थी भाइयों, हम लोग यहाँ अर्थ की हमारी चार स्फीयर्स हैं, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर एंड बायोस्फियर, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट लिथोस्फियर, व्हाट इज द लिथोस्फियर? द पार्ट ऑफ द लैंड ऑन अर्थ ऑन विच वी लिव इज नॉन एज लिथोस्फियर। पृथ्वी का ऊपर का सतह का वो भाग जहाँ हम रहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फियर। तो पहली बात, आपको लिथोस्फियर का मतलब क्या ध्यान दें, द पार्ट ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ ऑन विच वी लिव इज नॉन एज लिथोस्फियर। लिथो का मतलब क्या होता है? सॉइल, एंड स्फीयर मीन्स लेयर। लिथोस्फियर दो वर्ड से बना हुआ है, लिथो, लिथो का मतलब क्या होता है? सॉइल, एंड स्फीयर मीन्स लेयर। द अपर क्रस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ सॉइल सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक, सो इट इज कॉल्ड एज द सॉलिड कवरिंग। अब ये जो हमारा अर्थ है, वो ये जो लिथोस्फियर पार्ट है, अपर क्रस्ट लेयर बोलते हैं जिसको, जिसे किससे बना हुआ है? सॉइल से और सॉलिड मटेरियल से, विच इज मेड ऑफ एंड लाइक रॉक, सो इट इज कॉल्ड एज द सॉलिड कवरिंग। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सॉलिड कवरिंग। अप्रोक्सीमेटली हमारे अर्थ के ऊपर 29% जो लैंड है वो लिथोस्फीयर का है। तो देखिए, द पार्ट ऑफ द लैंड ऑन अर्थ विच वी लिव इज नॉन एज लिथोस्फीयर। लिथो मीन्स सॉइल एंड स्फीयर मीन्स लेयर। द अपर क्रस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल लाइक रॉक, सो इट इज नॉन एज सॉइलिड कवरिंग। अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर का पार्ट कितना है? 29%, मतलब हमारी जो लैंड है, लैंड एरिया जो है पूरे अर्थ के ऊपर, बाकी के जो 71% है वहाँ पे वाटर स्प्रेड है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक। अब ये जो अप्रोक्सीमेटली 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक थिक है, एवरीवेयर द लेयर ऑफ अर्थ डज नॉट प्रोसेस सेम थिकनेस। अब देखो, हर जगह एक समान थिकनेस नहीं है अर्थ के, अगर हम लोग देखेंगे तो सभी जगह समान थिकनेस नहीं है। मतलब जस्ट लाइक ये राउंड है और ये राउंड, मतलब ऐसा मत मानना कि बिल्कुल ये इस तरह बना हुआ है, नो। यहाँ जो थिकनेस है कहीं पे ज़्यादा है, जैसे कहीं इस तरह है, कहीं ये है, जिस तरह हमारा अर्थ अर्थ के अपर पार्ट में है वैसे इसमें भी है ना। लाइक ऑन अर्थ, अर्थ का सरफेस पार्ट जिस तरीके से है, जैसे कहीं पे अर्थ का सरफेस पार्ट है वो प्लेन एरिया है, कहीं पे पहाड़ी है, कहीं प्लेन है, कहीं खड्डे हैं, मतलब इस तरह का जो है, तो इनसाइड अंदर के साइड में भी इसी तरह से बना हुआ है। सो एवरी वेयर द लेयर ऑफ द अर्थ डज नॉट पजेस द सेम थिकनेस, इट डज नॉट हैव सम शेप आइदर इन इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट, कोई फिक्स शेप नहीं है, एंड इट इज मोस्टली मेड ऑफ सब्सटेंसेस लाइक। अब देखो ये किन किन सब्सटेंसेस से बना हुआ है? सोइल एंड रॉक्स, मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है।
एंड फ्रॉम दिस लाइक माउंटेन प्लेटूज प्लेन्स वेलीज हैड डेवलप्ड ऑन लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर के ऊपर क्या डेवलप्ड है, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स एंड वेलीज। द टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव इन टू द इंटीरियर ऑफ द लिथोस्फीयर। देखो जैसे हम अर्थ के अंदर के पार्ट में जाएंगे तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अर्थ के अपर लैंड में जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अर्थ के अंदर है ना, देर इज ए मच हीट, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और इज वे है ना, जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे तो वो क्या होगा, गर्मी ज़्यादा होगी। द टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव इन टू द इंटीरियर ऑफ लिथोस्फीयर। द मेल्टेड जूस ऑफ रॉक इज कोर इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नॉन एज मैग्मा। अब मैग्मा अर्थ के अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से हमारी जो चट्टानें हैं वगैरह वो क्या जाती, पिघल जाती हैं, और उनके पिघलने से जो पदार्थ बनता है उसमें मैग्मा कहते हैं। देयर आर मेनी गैसेज इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के कई तरह के गैसेज हैं, विच बींग हीटेड ट्राइज टू कम आउट विद द प्रेशर, है ना। और ये जो गैसेस होती हैं जब बाहर आने का प्रयास करती हैं, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की ओर आती है, बट प्रेशर ऑफ द रॉक प्रेजेंट एंड प्रेशर टू मेंटेन। लेकिन ये हमारी जो गैसेस हैं वो ऊपर आती है, लेकिन यहाँ जो चट्टानें हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और ये मेंटेन करती हैं, एंड दैट इज वाई द क्रस्ट ऑफ अर्थ इज नॉट ब्रेक। इसलिए जो क्रस्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो अपर क्रस्ट पार्ट है वो टूटता नहीं है एंड मेंटेन हो जाता है। अब इसके बाद में देखिए, लिथोस्फीयर इज नो देयर देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अवर हाउस। अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो हमें कितनी तकलीफें होती। तो अब इस लिथोस्फीयर की इंपॉर्टेंस भी देख लीजिए कि लिथोस्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे फर्स्ट वी लीव, विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी लीव, रहते हम उड़ते तो नहीं रहते, है ना। तो लिथोस्फीयर का जो इंपॉर्टेंस है, फिर वी फाइंड होल काइंड ऑफ द वेजिटेशन, वी कैन डू द एग्रीकल्चर, वी गेट द ड्रिंकिंग वाटर, इंडस बिजनेस, मेटल, फॉरेस्ट, एंड विदाउट लिथोस्फीयर वी कैन, वी हैव टू रिमेन विदाउट दिस ऑल थिंग्स। मतलब सबसे पहली बात तो अगर लिथोस्फीयर नहीं होता तो हम रहते ही कहाँ, अवर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। फिर लिथोस्फीयर की दूसरी उपयोगिता है कि वी गेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मटेरियल्स हमें मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वी कैन कैरी आउट अवर बिजनेस, हम हमारे बिजनेस को कैरी आउट कर सकते हैं। सो मैनी एक्टिविटीज़ वी कैन डू ऑन द लिथोस्फीयर। तो डियर स्टूडेंट, देखो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिथोस्फीयर के ऊपर आपको नोट लिखना है। क्वेश्चन इज व्हाट द पार्ट ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ, अर्थ का जो हमारा सरफेस पार्ट है जिस पे हम रहते हैं हमारी नज़रों के सामने, है ना, उस पार्ट को हम लोग लिथो बोलते हैं। लिथो का मतलब होता है सॉइल एंड स्पीयर का मतलब होता है लेयर, और ये अप्रोक्सीमेटली 29% एरियाज में कवर्ड करता है ले अर्थ के ऊपर। 60 से 100 किलोमीटर उसकी थिकनेस है, और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, क्योंकि कौन कौन से उपयोग हैं तो ध्यान देंगे कि इट इज़ टू हैव ड्रिंकिंग, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, लैंड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, मेटल, फॉरेस्ट, एंड विदाउट लिथोस्फीयर ये संभव नहीं था। अब नाउ नेक्स्ट में है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर सम लोअर पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि अर्थ हमारी हर जगह एक समान नहीं, देर इज नॉट ए फ्लैट एरिया, ऊंचे नीचे कई तरह के भाग है, और लोअर एरिया होता है जहां पे क्या होता है, हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए यहाँ, सम लोअर पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ आर फिल्ड विद वाटर, जो सर हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है। दीज पार्ट्स विच आर फिल्ड विद वाटर आर नॉन एज हाइड्रोस्फीयर, जिसमें ये पानी भरा हुआ रहता है इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ऑन द सरफेस अर्थ वाटर इज मोर देन लैंड, लैंड से उसका प्रतिशत ज़्यादा है, लैंड 29% है, और ये अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के 71% पार्ट पर वाटर स्प्रेड है, फैला हुआ है। दिस पोर्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर पजेसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन ओशन,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे इसमें इंक्लूड होता है ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, बेज, लेक, ठीक है, बेज, लेक, पॉन्ड, रिवर एक्सेट्रा, दीज आर द सोर्सेज, है ना, ये सभी यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं। अगर हम लोग ओशंस की बात करें तो हमारे वर्ल्ड के अंदर देखिए पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन, देर आर फोर ओशंस, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन, ऑल द ओशंस कनेक्टेड विद ईच अदर, ये सभी ओशंस क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द मेजर वाटर बॉडीज ऑफ द सर्फेस अर्थ आर सीज, स्ट्रेट, वैलीज, लेक, इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे यहाँ कंट्रीज वर्ल्ड के अंदर हम लोग रिवर्स की बात कर सकते हैं, बहुत बेज हैं, लेक हैं, ठीक है, लेक है, और इसके बाद में लेक्स के बाद में अगर आप लोग देखेंगे पॉन्ड, रिवर एक्सेट्रा आर बी फाउंड, दीज ओशन ऑन द अर्थ यूज डीप, कई जगह पर बहुत ही गहरे हैं। द वैली हैविंग द डेप्थ ऑफ 10 टू 11 किलोमीटर लोकेटेड इन देयर बॉटम, अब 10 से 11 किलोमीटर तक लोकेटेड है। द इंटीरियर ऑफ ओशन लाइक अर्थ इज मेड ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ लाइक यूज माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेटूज एंड वैलीज, अब अर्थ के अंदर है ना जो भी पानी जहाँ पे भी भरा हुआ है, ये जस्ट लाइक हम लोग यहाँ जैसे पिक्चर बना रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर आप लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ जस्ट लाइक जैसे अर्थ के ऊपर सरफेस पार्ट है लिथोस्फीयर में, ऐसा कैसा इंटीरियर जैसे यहाँ पानी भरा हुआ है, इस पानी के अंदर भी आप लोग कई जगह माउंटेन, प्लेन, डेप्थ प्लेस, प्लेटूज एंड वैलीज एक्सेट्रा वी फाइंड देयर, है ना, ऑल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर वी फाइंड देयर, हम लगभग हर तरह के स्ट्रक्चर हमें यहाँ वाटर के अंदर मतलब समुद्रों के अंदर भी हमें मिलते हैं। तो ये देखिए इट इज फिल्ड विद वाटर, है ना, ये पानी से भरा हुआ पाग है, और ये इसके अंदर भी देखिए जिस तरह ऑन अर्थ जैसे अर्थ के ऊपर हमारी पोजीशन है, सेम टू सेम इज इनसाइड, वहाँ अंदर के भाग में भी इसी तरह का पार्ट फैला हुआ है, ठीक है, एज लाइक जस्ट लाइक हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे माउंटेन भी ऐसे हैं, कहीं प्लेटूज एरिया है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं वैलीज हैं, तो इस अपर पार्ट पर जैसे लिथोस्फीयर पे जिस तरह की संरचना है ये इंटीरियर ऑफ द वाटर, और ये जो गहराई कहीं कहीं जो गहराई दे रखी है, जो डिप्थेस रखी है 10 टू 11 किलोमीटर्स की डेप्थ भी यहाँ दिखा रखी, दर्शा रखी है। देन आफ्टर देखिए वैलीज हैविंग द डेप्थ, है ना, वैली के जो हैविंग डेप्थ कितना है 10 टू 11 किलोमीटर आर लोकेटेड देयर बॉटम, द इंटीरियर ऑफ ओशन लाइक इज अर्थ आर मेड ऑफ वेरियस, हाई माउंटेन भी है अंदर, वास्ट प्लेन भी है, हर तरह का लैंड है। देन आफ्टर देखिए यहाँ ओशन कंटेन 97% वाटर, देखो केवल ओशंस के अंदर 97% वाटर केवल ओशंस रखते हैं, और जो 3% है वो अदर पार्ट, और उसमें भी पीने योग्य पानी पोटेबल वाटर ओनली 1% के करीब है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज फाउंड ऑन द पोल्स, अब उसमें से 1/3 पार्ट तो पोल के ऊपर चला जाता है, फिर इसके बाद में माउंटेन एंड सम वाटर इज अकोमोडेटेड, कुछ पानी जो है वो लेक्स के अंदर है, फ्लोज इन द रिवर एंड सम स्टोर इन द इंटीरियर ऑफ द एज ए ग्राउंड वाटर, कुछ पानी जो है इसमें से 3% के अंदर है ना, 3% के अंदर भी 1/3 पार्ट है ना, 1/3 पार्ट वो स्नो के रूप में पोल्स के ऊपर है, कुछ पार्ट इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के आंतरिक मतलब जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, और बाकी का पोंड वगैरहों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये हाइड्रोस्फीयर की बात आई कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर कितने पार्ट, कितना क्या बोलते, किसको बोला जाता, हुई इस भाई, तो देखिए सम लोअर पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ आर फिल्ड विद वाटर, अर्थ का कुछ ऐसे सरफेस भाग
लोअर पार्ट जो होता है, आंतरिक भाग जो होता है ना, लोअर पार्ट है, इस लोअर पार्ट के अंदर पानी भरा रहता है। इस पार्ट को हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अब इसके अंदर इंक्लूडेड, अगर हम इसके अंदर इंक्लूड्स करें तो ध्यान दें क्वेश्चन आते हैं, सीज, बेस, लेक्स, पॉन्ड, रिवर्स एक्सेट्रा। अब ये जो वाटर है वो मोस्टली इसका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो उसके सीज हम ओशंस हैं। अब ओशंस की बात करें तो देखो यार, ओशंस के अंदर बड़े बड़े पर्वत भी हैं, देयर वर बिग माउंटेन। माउंटेन के अतिरिक्त तो वहाँ पे प्लेटूज भी हैं, टोटली प्लेन एरियाज भी हैं। तो पूरा इस तरह जिस तरीके से अर्थ के सरफेस पार्ट पर है ना, एट सेम कंडीशन इज देयर, उस तरह की जो कंडीशन है वो इंटीरियर पार्ट में भी है। तो स्टूडेंट आज हमने ये दो पार्ट के बारे में पढ़ा, उसके बारे में डिस्कस किया, एक तो है लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। इन क्वेश्चंस के राइट द नोट, इन बोथ, इन दोनों के ऊपर आप नोट लिखेंगे, पूरा लिखेंगे है ना। तो लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर आपको वापस एक बार बता दें, लिथोस्फीयर का पार्ट है 29% अप्रोक्सीमेटली ऑन अर्थ, और यहाँ 71% अप्रोक्सीमेटली है, बराबर से ध्यान देना। ये हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर बॉडीज, सिंपल वर्ड्स में हम लिखते हैं वाटर बॉडीज, और लिथोस्फीयर का मतलब अपर लैंड, अपर क्रस्टल लैंड ऑफ द अर्थ, विच आर मेड ऑफ सॉइल एंड रॉक्स, जो किससे बना हुआ है, सॉइल और रॉक से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। तो ओके, तो राइट आपका जो होमवर्क है, राइट नोट, ठीक है, किस पे लिखेंगे, यहां वन नंबर एंड टू नंबर, वन एंड टू। टू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एटमॉस्फियर एंड बायोस्फियर। जय श्री स्वामीनारायण।